नमस्कार साथियों, याद है ना फिल्म नमक हलाल का गाना के पग घुंघरू बांध मेरा नाच थी और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मेरा नाच थी ससा ससा सा नीनी सा नीनी नी धा धा पा। खैर, इस गाने के आगे पीछे तो बहुत कुछ है, लेकिन आज के इस वीडियो को देखकर आप सब भी कह उठेंगे कि आपका तो लगता है बस यही सपना, राम नाम जपना पराया माल अपना। तो सुनिए, हुआ कुछ ऐसा कि एक नगर में एक गणिका थी जिसने एक मादा यानी स्त्री तोता पाल रखी थी। तोता बहुत हिष्टपुष्ट, दिखने में सुंदर तथा खास बात यह भी थी कि वह महिलाओं की तरह बोलती थी। गणिका के घर जब भी कोई अनजान या मेहमान आते तो सबसे पहले वह मादा तोता ही उनका स्वागत करती। गणिका के बोलने के पहले ही वह कह उठती, आइए बैठिए विराजिए पधारिए, कैसे हैं आप, सब ठीक तो है ना। तोते की इन बातों को सुनकर आगंतुक बहुत खुश हो जाते और उस तोते की तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। लेकिन मुसीबत यह होती थी कि यदि कोई मेहमान एक घंटा से ज्यादा वहां ठहर जाता तो वही तोता कहने लगती कि और कितना देर रुकेगा, घर में कोई काम धाम नहीं है क्या, टाइम पास करने आए हो, जा रहे हो कि भगाऊं। तोते की ऐसी बातों को सुनकर मेहमान ही नहीं बल्कि गणिका भी परेशान हो जाती थी। फिर तो वह उस गणिका के चुप कराने से भी चुप नहीं होती थी। तोते की इस आदत से तंग आकर वह गणिका उस तोते को पिंजरे से खोलकर खुले आकाश में छोड़ देती थी, पर वह थी कि कहीं जाती ही नहीं थी। दिनचर्या ऐसी ही चल रही थी कि एक दिन गणिका के घर में एक साधु पुरुष आए, जिन्हें देखकर मादा तोता बोली, आइए बैठिए विराजिए पधारिए, कैसे हैं आप, सब ठीक तो है ना। तोते की बात सुनकर साधु भी बहुत प्रसन्न होकर उसकी तारीफ करने लगे। तो गणिका बोली कि महाराज, आप इसे जानते नहीं, यदि आप एक घंटा से ज़्यादा रुक गए तो ये ऐसी ऐसी बातें बोलेंगी कि आप भी परेशान हो जाएंगे, और इसीलिए इस तोते को मैं खुले आकाश में छोड़ देती हूँ, पर यह है कि कहीं जाती ही नहीं, मैं तो तंग आ चुकी हूँ इससे। गणिका की बात सुनकर साधु बोले कि घबराओ नहीं, मैं इसे जल्दी ही ठीक कर दूंगा, पर इसकी आदत ठीक करने के लिए मुझे इस तोते को एक महीना के लिए अपनी कुटिया में ले जाना होगा। साधु ने आगे कहा कि मेरे पास एक नर अर्थात पुरुष तोता है जो दिन भर राम नाम जपते रहता है, उसकी संगति में यह तोता एक महीना रहेगी तो अपने आप सुधर जाएगी। साधु की बात सुनकर गणिका तुरंत तैयार हो गई और साधु उस तोते को अपने साथ लेकर चले गए। साधु ने गणिका के मादा तोते को अपनी कुटिया के नर तोते के साथ ही पिंजरे में रख दिया। मादा तोता शुरू शुरू में पुरुष तोते से दूर दूर रही, साधु का तोता भी लगातार राम नाम जपे जा रहा था, लेकिन उसका ध्यान अब उसके साथ रहने वाली मादा तोता की ओर भी जाने लगा। मादा तोता साधु की कुटिया में कोई मेहमान आता तो वैसे ही स्वागत और एक घंटा से ज्यादा रुकने पर वैसे ही ताना मारने लगती जैसे कि गणिका के घर। कुछ दिन बाद साधु ने पाया
कि उसकी कुटिया का नर तोता का भी राम नाम जपना कम होते जा रहा है, और वह भी मादा तोते के साथ साथ आगंतुकों के स्वागत और एक घंटा से ज्यादा रुकने पर ताना मारने लगता है। कुछ और दिन बाद साधु का नर तोता गणिका के मादा तोता के साथ ही चिपक चिपक कर रहने लगा, और उसने राम नाम का जाप भी पूरी तरह से छोड़ दिया। तो साधु ने अपने तोते से पूछा कि क्या बात है, आजकल तुम राम नाम बिल्कुल ही नहीं जपते? तो उस नर तोते ने कहा कि अब जरूरत क्या है राम नाम जपने की, क्योंकि जिसे पाने के लिए मैं रात दिन राम नाम जपा करता था वह तो अब मेरे साथ ही रहने लगी, क्या करूंगा अब और राम नाम जपकर। नर तोते की बात सुनकर साधु ने क्या किया वह तो पता नहीं, पर मेरे मुंह से बरबस ही यह बात निकल आई कि लाए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। बाकी आप सब समझदार हैं। धन्यवाद।